विकास नगर में बन रहे पुस्ता निर्माण को लेकर प्रधानपति का बयान सामने आया है। प्रधानपति नफीसुद्दीन ने कहा कि पुस्ता निर्माण कार्य राज्य वित्त योजना के तहत किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव खुली पंचायत बैठक के दौरान पास किया गया था, लेकिन कुछ कथित पत्रकार पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। पुस्ता निर्माण में किसी भी तरह का अनैतिक कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर शासन प्रशासन को निर्माण कार्य में कोई संदेह है तो जांच करा सकते हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पुस्ता निर्माण की मांग लंबे समय से चल रही थी और आज पुस्ता निर्माण जब बन रहा है तो कथित पत्रकार को दिक्कत हो रही है। विकास नगर से जैसे विश्व की रिपोर्ट। तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम पिछले 4 सालों से हमने जो अपने गांव में एक डेवलपमेंट के काम किए हैं वो सब वही किए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और लोगों के जो हमारी ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें जो प्रस्ताव आते हैं उन्हीं से हम काम करते हैं। अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते। जो ग्राम पंचायत के ग्राम मेंबर्स हैं, उप प्रधान हैं, उनके सहमति से सारे काम होते हैं। कि नाला गलत तरीके से होते हैं, राजनीतिक तत्व है, लोग भाग एक दूसरे के प्रति उछाल करते रहते हैं, बाकी वो कुछ नहीं है। बाकी तो ये गांव के लोग हैं, यहाँ पे आप जांच पड़ताल करो, किसी को पूछ लो, कोई इसमें असंवैधानिक तत्व किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना रखी नहीं जाना। हाल ये देखो सर, इनके इधर तमाम पानी पानी हो जाता है, अब उन घरों तक पानी चढ़ गया सर। प्रधान जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये काम गलत तरीके से हो रहा है। प्रधान जी सही करवा रहे हैं। प्रधान जी तो ये हमारी